हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे? नहीं, आई थिंक आज ट्यूसडे है। ओ माय गॉड, ये काजल, मैं अभी अपना फेस देख रही हूँ सुबह से। अच्छा, तो क्या है ना कि मैंने होम सेंटर से आपको बताया था ना, कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो वो कल मुझे डिलीवर हो गई थी। 2 दिन में डिलीवर हो गई सारी चीज़ें। तो मैंने एक बेड कवर और पिल्लो का सेट मंगाया था, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। रिटर्न इसलिए करने वाली हूँ ना, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, बहुत ही थिक है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, वहाँ रजाई हो जाए कि कवर के लिए में भी ये ठीक हो। और मुझे थोड़े सॉफ़्ट फैब्रिक अच्छे लगते हो। ये सॉफ़्ट फैब्रिक नहीं है, ये थोड़ा मोटे वाली फैब्रिक है, जो मुझे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है। और यहाँ पे एंड यहाँ का जो वेदर है, सिर्फ लाइट कम्फर्टर ओढ़ करके काम चल जाता है। और मुझे बस मतलब हल्के कवर, मतलब सॉफ्ट चीज़ें पसंद है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा मंगाया था, क्योंकि मैंने रिटर्न प्लेस किया हुआ है, तो आज ही इसको ले करके जाएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सो ये वाला कवर, और साथ में ये पिलो कवर नहीं थे, अलग से मैंने सेट ऑर्डर किया था। ये बहुत ही लाइट से पेस्टल कलर में है, मतलब ग्रीन टाइप के कलर में है। ये आप देख लो, ये इस तरह से ना एम्ब्रॉयडरी टाइप की है, लेकिन मतलब फैब्रिक में ही वैसा कुछ डिज़ाइन है। और इस ये फैब्रिक आप देख रहे हो ना, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, मोटे वाले फैब्रिक जो होती है, मतलब सॉफ्ट नहीं है ये, थोड़ी मोटी जो होती है वो वाली है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उन सभी जगह के लिए अच्छी है। और बहुत हैवी है यार, बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये है पिलो कवर्स, पिलो कवर का साइज़ देख रहे हो आप, इतने बड़े बड़े पिलो कवर हैं। तो आई थिंक ये इंडिया के लिए है, पता नहीं इंडिया के लिए है कि नहीं, लेकिन हाँ अच्छी लग रही थी देखने पे। और यहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा डल लग रही है, ये आप देख रहे हो, मुझे नहीं पसंद आई कलर भी। ऐसे फ़ोटो में बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ब्राइट लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा है। तो इससे अच्छा तो मुझे वाइट ही पसंद है, वाइट या फिर थोड़ा गोल्डन टाइप में हो या फिर पिंक में हो। ये कलर ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, और काम का नहीं है मेरे, बहुत गर्मी लगेगी मुझे इसमें। ये देख लो, मैंने लगा लिया है हाफ़ कवर में, नहीं मतलब कंफर्टर में नहीं डाला हुआ है, बस ऐसे ही मैं लगा के देख रही थी। इस तरह का है, इसमें पिंक कलर, गोल्डन कलर एंड वाइट कलर भी अवेलेबल है, बट वाइट वाला सिंगल में अवेलेबल था, सिंगल साइज़ में। ये है डबल वेड साइज़ में, पिंक वाला आउट ऑफ स्टॉक है। तो देख लो, मैं ऐसे लिंक आपको दे दूँगी, आप जाके चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। सो आपको कैसे लगे, मतलब ये बेड कवर मुझे ज़रूर बताना। बाकी जो मैंने मंगाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, यस 11:26, और अभी जस्ट मेरी वीडियो गई है लाइव मिंत्रा एजियो टॉप हॉल। सुबह से बस उसी का सारा काम कर रही थी, लिंक, थंबनेल, टाइटल, टैग वगैरह सब कुछ डाल वाल करके। अभी जस्ट लाइव हो गया है, तो मैंने सोचा मैं आपको वो दिखा देती हूँ, अदरवाइज फिर अभी आ जाएगा रिटर्न लेने के लिए, तो फिर नहीं दिखा पाऊंगी। सुबह से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, अभी नारियल पानी पी रही हूँ और केला खाने वाली हूँ। सुबह को नितेश को दे रही थी केला ले जाने के लिए, तो 2 को निकालने के चक्कर में सारे के सारे 6 केले थे सब निकल गए डंडी से। तो जब इसकी डंडी निकल जाती है ना, तो ये फिर यहाँ से ब्लैक हो जाता है, तो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दिया था, और चींटी भी लग जाती है। केले का ऐसे ही होता है, सिर्फ 1 या 2 दिन फ्रेश रहते हैं, उसके बाद फिर ना बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं होता खाने का। और मुझे ये वाला केला पसंद है, इसको शायद रोबस्टा बोलते हैं इधर, हम लोग की साइड में शायद सिंगापुरी केला बोलते हैं। यहाँ पे केले की क्या वैरायटी मिलती है, ग्रीन केला, येलो केला, वो ऐसे लंबे नाक वाला केला, इतना छोटा केला, इतना बड़ा केला, मतलब डिफरेंट टाइप के केला यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नहीं भी तो एक जगह पे आप जाओगे ना, किसी फ्रूट स्टोर में या फिर किसी सुपरमार्केट में, आपको कम से कम 8 टाइप के केला मिल जाएंगे। रेड केला भी यहाँ मिलती है, रेड केला में भी छोटी वाली भी, लंबी वाली भी, ग्रीन केला भी यहाँ मिलती है, मतलब पका हुआ होगा लेकिन वो ग्रीन केला, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का केला यहाँ पे आपको मिल जाता है। आज के लिए, आज जो ब्लॉग जाने वाला है वो भी मुझे एडिट करना है यार। चलो फटाफट, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप भी कितनी बात करोगे, चलो काम करते हैं।
काम स्टार्ट करने से पहले मुझे चाय पीना था क्योंकि 12 बजने वाला है, मतलब बज ही चुका है, तो थोड़ा सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, चाय की आदत है। तो मैं आपको दिखाने वाली थी चाय गपशप की ये चाय पत्ती, ये है गिरनार, है गिरनर गिरनार कुछ तो है, केसरी टी नंबर 3, और इसमें 3 टाइप के आते हैं। ये सेकंड मतलब ना फर्स्ट जो है एक रॉयल करके आता है, वो बोले कि सबसे जो कड़क चाय बनती है ना वो है वो वाली, बट ये वाली सेकंड नंबर वाली है जो वहाँ पे नॉर्मल चाय आप बोलते हो तो बना के देते हैं, तो मुझे यही वाली अच्छी लगी थी तो यही मैं लेके आई हूँ। और इससे भी लाइट जो एकदम पाउडर टाइप की होती है वो भी वहाँ पे थी, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो जो फर्स्ट टाइम मैं गई थी ना, उस टाइम पे मैं 250 ग्राम का लेके आई थी, इस टाइम में 1/2 kg का लेकर के आई हूँ, बिकॉज इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वहाँ पे चाय के यार 80 रुपीज़ लेते हैं फुल कप के, और मतलब एक चाय पत्ती से आप नहीं भी तो 2-3 मंथ्स चाय पी सकते हो। और दूसरा ये खाखरा, ये वीट मसाला खाखरा है, बहुत टेस्टी है यार। मतलब बिस्किट विस्किट खाना आप छोड़ दोगे, और बिस्किट वैसे भी मैदा वैदा का होता है, खाना भी नहीं चाहिए। ये हल्का मसाला इसमें है और वीट का बना हुआ है, इसको किसी भी चटनी के साथ, इमली की चटनी, धनिया पत्ता की चटनी के साथ खा सकते हो। मैं तो चाय के साथ खाती हूँ बस एक पीस, या फिर कभी कभी भूख लगा हो तो 2 पीस, मज़ा आ जाता है खा करके। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, जो भी कोयम्बटूर से हो, चाय गपशप जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मैं इतने लहंगा कहाँ से परचेस करती हूँ, क्या करती हूँ, तो मैंने बताया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे आ जाती हैं, मैं खुद से कुछ भी ना भी करूँ तो भी अभी मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स के ऑफ़र आते हैं कि मुझे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग मुझे खुद प्रोवाइड करते हैं रिव्यू के लिए। और ये जो लहंगा है वो बहुत अच्छे ब्रांड से है, आप लोगों ने देखा होगा अमेज़न और फ्लिपकार्ट में जो सबसे अच्छी लहंगा की ब्रांड है जील क्लोथिंग, सेम उसी वही कंपनी है, लाइक वहाँ पे जील क्लोथिंग के नाम से है। और इनका जो खुद का वेबसाइट है वो एथनिक प्लस है, इनका इंस्टाग्राम भी है एथनिक प्लस। तो मैंने सारे क्लाइंट डायरीज़ वगैरह सब कुछ इनके बारे में पता करने के बाद जाकर के इसकी वीडियो की है। आप लोगों ने देखा होगा क्रीवा की वीडियो में मेरे 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आते थे, पर उनकी वीडियो मैंने करना बंद कर दी क्योंकि उसमें बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे मेरे पास कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, अमाउंट कट जा रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं डिलीवर हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन जब उनके कंप्लेन आ रहे थे तो मैंने उनकी वीडियो करना बंद कर दी। तो मैं किसी भी फालतू वेबसाइट की वीडियो नहीं करती हूँ। ये देख रहे हो आप, ये आप में से कितने लोगों को पता है, कितने लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे घर में तो किसी को भी नहीं पता है, किसी के भी घर पे ऐसे एलोवेरा में बड़े ऐसे फ्लावर को किसी ने नहीं देखा। ये अब देख रहे हो, ये एलोवेरा के बीच में से ये इतनी बड़ी सी फ्लावर आई है। तो इसका क्या यूज़ है, ये सिर्फ ऐसे ही फ्लावर है या फिर कुछ है, क्या कर सकते हैं इसका मुझे ज़रूर बताना। ये देखो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, ये पहले तो बहुत ही छोटा सा था, लाइक बहुत बंद था, जैसे आप देख रहे हो ना, ये बंद था, ये अभी सारे फ्लावर्स इस तरह से खुल रहे हैं। एलोवेरा की फ्लावर्स देख लो आप भी, और जिनको पता है, जिन्होंने देखा है, प्लीज़ हमें बताइएगा इसका कुछ कर सकते हैं क्या, क्या किया जाता है। मतलब एलोवेरा तो ऐसे जड़ी बूटी की कैटेगरी में आती है ना, मतलब इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके मेडिसिंस भी बनते हैं, तो ये फ्लावर्स क्या काम के हैं। हे गाइस, तो फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने होम सेंटर से क्या लिया है। तो जो आप डिनर सेट, मतलब जिसमें हम खाना वाना खाते हैं वो आप देखते हो, वो मैंने नहीं परचेस किया है, वो आफ्टर वेडिंग जब हम आ रहे थे उस टाइम पे जो गिफ्ट मिला होता है ना, उसी में से एक हम उठा करके ले आए थे क्योंकि मुझे क्रोकरी का बड़ा ही शौक है। तो मुझे लगता था कि बस 2 ही लोग तो हैं तो ज़्यादा मतलब हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी, वॉश वॉश कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्रोकरी हो तो फिर ना, ज़्यादा लोग हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टूट टूट ना जाए, ध्यान से धोना होता है।
तो वो सेम क्रोकरी को मैं 5 1/2 ईयर्स से यूज़ करते आ रही हूँ, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। और लास्ट 2 ईयर्स से मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ परचेस करना है, लेकिन बस ढूंढ रही थी और मतलब सही प्राइस में भी मिलनी चाहिए, वही मैं देख रही थी। तो अभी लास्ट 2 वीक पहले भी जब हम गए थे संडे को होम सेंटर, तो मैं वही देखने गई थी कि मुझे कुछ अच्छा डिस्काउंट में मिल जाए, क्योंकि वहाँ की क्रोकरी बहुत अच्छी होती है और मुझे सेरामिक की ही चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे यहाँ वाले होम सेंटर में कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन जिस दिन हम वहाँ से आए उसके दूसरे ही दिन मैं होम सेंटर ऐप हमेशा चेक करती रहती हूँ किसमें क्या डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने देखा कि उसमें मुझे नितेश को जो पसंद था उसमें 40% ऑफ था उसमें भी और गोल्डन वाले में भी। तो फिर मैंने नितेश से पूछा कि ये ले ले क्या, ये अच्छा है ना, तो उनको मॉल में जो पसंद आया था उसी के बारे में, तो उन्होंने बोला हाँ ये ले लो, मैं गोल्डन और सिल्वर में चूज़ करने बोल रही थी। तो गोल्डन ने उनको सिल्वर पसंद आया, तो बोला ठीक है जो हस्बैंड की पसंद वही, मुझे भी अच्छी लग रही थी, मुझे तो मेन की वाइट में चाहिए तो सिरामिक चाहिए थी। तो फाइनली मेरी जो फर्स्ट डिनर सेट या फिर फर्स्ट क्रोकरी सेट बोलो आप, ये मैंने ले लिया है। ये दो इस तरह से बॉक्स में आई थी, COD में मैंने किया था ऑर्डर, इसलिए होम सेंटर में 4000 से अबव की आई थिंक COD में ऑर्डर नहीं होती, इसलिए दो पार्ट में करके किया था। तो ये खाली है, इसमें जस्ट ये सारे भरे हुए हैं। इसको मुझे सारे क्रोकरी सेट को ओपन करने में ही मुझे आधे घंटे लगे, इतने अच्छे से पैक हो करके आते हैं सारी एक एक चीज़ें कि आधे घंटे से ज़्यादा लग गए, और ओनली 2 डेज़ में मुझे इनकी डिलीवरी मिल गई है। लाइक मैंने आज ऑर्डर किया है, कल नहीं परसों मुझे इसकी डिलीवरी मिल गई, ओनली 1 डे में, जैसे जिस आज ही ऑर्डर किया आज ही शिप हो गया और एक दिन में मिल गया मुझे मेरा सामान, फेडेक्स से आया था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपना फर्स्ट आपको क्रॉकरी सेट, डिनर सेट जो फाइनली मैंने ले लिया है। मैं अपने घर की आजकल एक एक चीज़ ना बहुत वेट करके लेती हूँ कि मुझे जो चाहिए, जो मतलब एग्जैक्टली मुझे चाहिए मैं वही लेती हूँ। और आप में से बहुत से लोग उस लैम्प की प्राइस पूछ रहे थे ना, तो वो 10,000 रुपीज़ MRP है, तो डिस्काउंट में हमें 5,000 रुपीज़ में मिली है। और बस लैम्प भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इवनिंग के टाइम में जला दो तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अच्छी वाली वाइब आती है लिविंग रूम में। जस्ट ये इस वाले वॉल के लिए, इसके लिए कुछ चीज़ चाहिए। यहाँ तो फाइनल है मिरर, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग भी इस साइड में मिरर अच्छा रहेगा, और इस साइड से इस साइड में ना हमारी अच्छी मतलब जो वादियाँ दिखती हैं, पहाड़ बादल पेड़ पौधे दिखते हैं, तो अगर मिरर में कुछ अच्छी चीज़ अच्छी लोकेशन दिखती है तो वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा माना जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ के लिए मिरर ही लूँगी, वहाँ के लिए जस्ट मैं सोच रही हूँ कि जो आजकल कैफ़े स्टाइल है ना, बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम वो। ओके चलिए दिखाती हूँ मैं आपको मेरा डिनर सेट। सो सबसे पहले तो मैंने लिया है ये बड़ी सी सैलेड बॉल, और ये सारे चीज़ें जो है सेरामिक की है और सेम कलेक्शन से है, मतलब सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न में है, सेम कलेक्शन से ही मैंने सारा कुछ लिया है। तो ये मैंने ओनली 1 पीस ही लिया है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि अगर मैं इस तरह की बॉल या फिर कैसरोल टाइप की लू भी, तो उसके साथ लिड भी होनी चाहिए, सर्व करने में अच्छा रहे। ऐसे खुला सर्व करो फिर ठंडा होता रहे तो मतलब कोई नहीं रहता है, इसलिए इसको मैंने एक ही लिया है। जस्ट कुछ भी सर्व लाइक सैलड वगैरह सर्व करना हो या फिर कुछ वैसा, तो उसके लिए ये लिया है एक, जस्ट एक सेट बनाने के लिए। उसके बाद ये है एक कटोरी जिसमें हम सब्जी वब्जी खाते हैं, तो ये मैंने 6 पीस लिया हुआ है। ऐसे में आपको सिर्फ वाइट दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ सामने से जूम करके लेकर के आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ना सिल्वर कलर की लाइनिंग है, और इस कटोरी में आप देखोगे तो साइड साइड से इस तरह की लाइनिंग बनी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, एलिगेंट है, और मुझे बहुत पसंद आया यार। वेट किया है 5 ईयर्स, लेकिन मन की चीज़ ली है, मुझे बहुत पसंद है, तो वो लिया है 6 पीस। उसके बाद ये मैंने
सेम कलेक्शन से ये दो कप लिए हैं। ये आप इसमें कॉफ़ी भी पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो और मिल्क भी पी सकते हो। तो चाय के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था ना, वाइट कलर वाली जो सेट टी सेट ली थी मैंने, तो वो तो है ही, उसमें गोल्डन यहाँ पे लाइनिंग है। बट ये वॉश करते करते सिल्वर लाइनिंग हो या गोल्डन हो वो मिट जाती है, ठीक है, नहीं भी तो 6 महीने में मिट जाती है अगर रेगुलर कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है कोई भी लाइनिंग का, जस्ट आपको ये डिज़ाइन मिल रही है वही बहुत ही एलिगेंट है। तो ये दो ही लिए हैं मैंने क्योंकि बस मिल्क पीने के लिए, और मिल्क पीने के लिए काफ़ी सही साइज़ है, जितना हम पीते हैं उतनी क्वांटिटी इसमें आ जाती है। सिर्फ 40% डिस्काउंट था, 50% नहीं। 50% होने पे ना मुझे लगता है चीज़ें मिलती ही नहीं, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो 40% में डिस्काउंट इनफ लगा मुझे, और मुझे बस चाहिए था डिनर सेट यार। ओके, नेक्स्ट है ये साइड प्लेट, और ये भी सेम कलेक्शन से है, सिरामिक की है। एंड ये जो है ना, ये आप किसी भी माइक्रोवेव, फ्रीज़र, डिशवॉशर और क्या है, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, फ्रीज़र, ओवन, किसी में भी यूज़ नहीं कर सकते हो। मेड इन थाईलैंड है एंड सुप्रीम फाइन सिरामिक से बनी हुई है ये प्लेट्स, एंड हल्की भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, जितनी सिरामिक की चीज़ें होती हैं उतनी है, और काफ़ी साइनी है, ठीक है। तो ये है साइड प्लेट एंड ये है डिनर प्लेट। तो ये सबसे बड़े साइज़ की डिनर प्लेट है, सारी चीज़ें मैंने 6-6 पीस ली हैं, ओनली बड़ी वाली जो बाउल है वो और 2 कप्स, बाकी सारी चीज़ें ये तीनों मैंने 6-6 पीस ली हुई है। तो ये है डिनर प्लेट, तो सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप जाके प्राइस चेक कर सकते हो। फाइनली मैंने अपना डिनर सेट बना लिया है और मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अभी बैक टू बैक ना बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग्स आने वाली है, मे बी कल ही आ जाए, ठीक है, आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग है तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। और ये मेरा डिनर सेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सोच समझ के चुन चुन के लिए हैं कि नहीं ये वाली चीज़ अच्छी है और इसको मैं काफ़ी लंबे, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया जो मुझे नहीं पसंद है वो मतलब ओके टाइप है, उसको भी मैंने 5 ईयर से ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो ये तो मैंने अपने चॉइस का लिया है, तो इसको अब पता नहीं जब तक ये है नहीं टूटता फूटता है तब तक तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। साइड में हो सकता है मैं, जैसे कि हम एक ही प्लेट में खाते हैं तो कभी कभी कुछ फ्लावर प्रिंट वाले में डिस्काउंट मिल जाए तो 1 पीस प्लेट ले लिया, 1 पीस बॉल ले लिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये डिनर सेट मैं काफ़ी सालों तक यूज़ करने वाली हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आने वाले व्लॉग का वेट करना, बहुत ही अच्छी व्लॉग है एंड सरप्राइज़ है जो आपको नहीं पता था। तो ठीक है, आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।